शिमला के हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए शनिवार का दिन बेहद खास था। शनिवार को यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें LLB, LLM और PhD कंप्लीट करने वाले 266 छात्रों को डिग्रियां दी गईं। कुफरी में आयोजित दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना। दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज वी राणा, जस्टिस दीपक गुप्ता, अमजद अहमद सहित हिमाचल और दूसरे जज भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। खास बात यह कि दीक्षांत समारोह में जस्टिस मंसूर अहमद मीर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शरीक हुए, जो 2016 में इस यूनिवर्सिटी के स्थापना के वक्त पहले चीफ गेस्ट बने थे। मंसूर अहमद मीर ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो 2016 में क्रिएट हुई यूनिवर्सिटी, तो उस दिन मैं यहाँ चीफ गेस्ट था। तो 6 साल गुजर गए, वो पहला कनेक्शन आज हुआ और बहुत सारे बच्चों को डिग्री दी थी, PhD डिग्री दिए, तो मैं बहुत कामयाब रहे जी। मेरा ब्रेन चाइल्ड फुलफिल हुआ है, बच्चे फुले फले और मेहनत करे, जज बने, वकील बने, बड़े बड़े अफसर बने और लोगों की खुद करें। IGMC में सर्जरी पर चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस सम्मेलन में हिमाचल सहित देशभर के 200 सर्जन भाग ले रहे हैं और आपस में एक दूसरे के अनुभव और नई तकनीकों की बारीकियों को सीख रहे हैं। इन बारीकियों को साझा करना भी इसे काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि IGMC शिमला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोसर्जियन ने संयुक्त रूप से सर्जरी के क्षेत्र में 3 दिवसीय फेलोशिप प्रोग्राम और सम्मेलन की शुरुआत कल की थी। और सम्मेलन के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भाग लिया था। देश के जाने माने डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोगों को अच्छी ढंग से अच्छी चिकित्सा पद्धति कैसे प्रदान की जाए इस पर और इसमें क्या इनोवेशंस किए जा सकते हैं इस पर वो डेलिब्रेशंस करने वाले हैं। वैसे वो सब जानते हैं क्या लोगों के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने लोगों की सुविधा के लेकर इस डेलिब्रेशन को मध्य बिंदु बनाया है और लोगों को किस प्रकार की अच्छी सुविधा देने का उस पर ये सभी देश के जाने माने लोग यहाँ आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके लेप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपी वगैरह इसको भी विषय को लेकर किस ढंग से किया जाता है, रोबोटिक्स का इसमें कैसे उपयोग किया जा सकता है इस पर ये सब विचार विमर्श करने वाले हैं। अपने देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात हो रही है, मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारे दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ भी सर्जन अगर कोई पोस्टेड है में सिविल हॉस्पिटल्स में अगर वो लोग भी दक्ष होंगे तो वो वहीं पे दूरबीन की सर्जरी कराने के लिए यहाँ IGMC या टांडा में ना जाना पड़े, वहीं पे वो करें, वहीं पे इसी संदर्भ में उनकी ट्रेनिंग से संबंध में ये वर्कशॉप। इसमें हिमाचल के तो जितने हिमाचल में सारे सर्जन हैं उनके 90% सर्जन जो है वो ट्रेन होने के लिए यहाँ आए हैं, जिनमें कि कुछ नए पास आउट हैं और आप यकीन मानिए तो कुछ तो ऐसे सर्जन जो रिटायर भी हो लिए वो भी इस कोर्स को करने के